जहन साथियों, देखते रीजनिंग का प्रश्न दिया है हमें। इसमें तीन ऑप्शन किसी रूप से समान है, एक जो है वो भिन्न है, उसको हमें फाइंड करना है। तो देखते क्या लॉजिक लग रहा है। 0 से 6 ये वाला तो हमें कुछ अभी ऑप्शन छोड़ देते हैं, दूसरे में देखते हैं। 12 से हम 28 पर कैसे पहुंच सकते हैं? और 12 में हम 2 से गुणा कर दें, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 24। और 24 में 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 28। ठीक, 28 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? इस 5 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा? 10। और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 14। यानी ये वाला लॉजिक भी हमारा यहाँ भी लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी में। 21 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 46। यानी यहाँ भी ये फॉलो कर रहा है। तो बी डी सी बी डी इन तीनों में फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम 0 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। और +4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो जो है हमारे सारे ऑप्शन सॉरी क्या करना है, हमें +4 जोड़ेंगे। तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा ना, तो +4 यानी कि टोटल 4 ही मिलेगा हमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि इन सारे में फॉलो कर रहा है कि +2 +4 करने पर हमें लॉजिक वाली संख्या मिल रही है सामने वाले। लेकिन यहाँ पे 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, +4 करेंगे तो मिलेगा कितना? 4। यहाँ 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।